Hello everyone, I am Dr. Amit Bhushan Sharma, Director, Unit Head Cardiology, Palace Hospital, Gurgaon. Today I am going to talk to you about TAVR or Transcatheter Aortic Valve Replacement. That is valve replacement without open heart surgery, valve replacement without general anesthesia, valve replacement without any stitch. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है. आपका हार्ट का वाल्व बदली हो सकता है बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, बिना टांका लगाए हुए, बिना एनेस्थीजिया के. अगर ये 15 साल पहले कोई बोलता तो हम लोग उस पर हंसते, बट दिस इज अ रियलिटी एंड वी एट पारस हॉस्पिटल गुड़गांव हैव बीन डूइंग दिस प्रोसीजर सिंस 2016. वर्ल्ड ओवर दिस प्रोसीजर स्टार्टेड इन 2001. इसमें क्या होता है कि हमारा एओर्टिक वाल्व क्या है, जहाँ से सारी नसें निकलती हैं. नॉर्मल क्या होता है, हर हमारा हार्ट बीट होती है 60 पर मिनट, यानी हर सेकेंड हमारा ये वाल्व बीट करता रहता है. जैसे एज होती जाती है तो उसके बाद ये वाल्व सुकड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज हार्ट हमारा रेस्ट नहीं लेता है. एल्डरली पॉपुलेशन की 60-70 साल के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डिक डेथ इन एल्डरली पॉपुलेशन इज एओर्टिक स्टेनोसिस. इसमें हम लोग ओपन करने के लिए देखते हैं कि हम लोग कर सकते हैं ओपन कि नहीं कर सकते हैं. उसके लिए अगर हम लोग बिना ओपन हार्ट करें सर्जरी तो जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज क्लोज टू 99% एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी जिसमें डेथ रेट ऑलमोस्ट 20-25% हो जाता था ऑन टेबल. तो इसीलिए जिसने टैवर इन्वेंट किया उनको नोबल प्राइज मिला गया. एलन क्रीबियर उनका नाम था. और अब ये एक रियलिटी है, पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस इतनी नहीं थी इसलिए इंडिया में लेट आया. धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा प्रोसीजर्स करते गए इसकी कॉस्टिंग अभी काफ़ी कम हो गई है. ये हम लोग जांघ के जरिए जाते हैं, एक हार्ट टीम के द्वारा पहले सीटी स्कैन में देखते हैं कि जांघ की नसें हमारी एक एडिक्वेट साइज की हैं कि नहीं, और उसके बाद जांघ की नस से जाते हुए हम लोग ऊपर तक पहुँचते हैं और इस वाल्व को, एओर्टिक वाल्व को एक्सरे के जरिए हम लोग क्रॉस करते हैं और ये तार जा रही है. तार जाने के बाद एक बैलून से इसको वाल्व को फुलाया जाता है. जो नॉर्मल एरिया वाल्व का होता है 4 से 6 सेंटीमीटर, एओर्टिक स्टेनोसिस में इसका वाल्व का एरिया हो जाता है 0.6-0.7 सेंटीमीटर. बैलून से फुलाने के बाद एक आर्टिफिशियल वाल्व, जो हमारा जो टैवर वाल्व है, उसको इसके अंदर डाला जाता है. और ये एक बोवाइन पेरिकार्डियम है वाल्व है, इसके ऊपर जो है निटिनोल मेश लगा होता है और ये वाल्व जैसे आप देख रहे हैं डिप्लॉय हो रहा है और फिर उसके बाद बैलून बाहर निकल रहा है और अंदर वाल्व रह जाता है. और ये वाल्व अंदर रह जाता है, इसको बिना टांके के, बिना एनेस्थीजिया के ये हम लोग लगाते हैं और पेशेंट जो है नेक्स्ट डे घर जाता है. अगर ओपन हार्ट सर्जरी में कोई अगर बोलते तो हम लोग रिकवरी ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन की रिकवरी होती है. ओपन हार्ट होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, रिस्क ऑफ बाईपास होता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है इससे अवॉइड हो सकती हैं. एक डिवाइस होता है परक्लोज जो हम लोग जांघ में डालते हैं जिससे हम लोग टांकों को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं. तो टैवर इज द फ्यूचर. ये हम लोग एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट सब काफ़ी कम हो गई हैं केवल इसी वजह से, टैवर की वजह से. थैंक यू.